the output of given problems. Again, next rule about switch statement. इस केस में वन और टू के प्लेस पर सप्लाई करेंगे एज अ सपोज दैट वी आर सप्लाइंग वेरिएबल ए और बी. इस केस में इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे. ए के रिस्पेक्ट में बात करें, ए का वैल्यू क्या है वन और बी का वैल्यू क्या है ऑल्सो वन. इट इज समवॉट सिमिलर टू केस वन केस टू. लेकिन इस केस में ऑलरेडी डिस्कस किया है लेवल्स के साथ ओनली कॉन्स्टेंट वैल्यूज यूज करना पॉसिबल नॉट अ वेरिएबल्स. लेकिन इस केस में करेंटली ए और बी का टाइप क्या है ए बी आर वेरिएबल्स. देयरफॉर कंपाइल टाइम एरर कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड. मीन्स ये वेरिएबल्स से डायरेक्टली स्विच लेवल्स में सप्लाई करना पॉसिबल नहीं हुआ. इसलिए क्या आएगा इस केस में फाइनली कंपाइल टाइम एरर्स कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड. बट सपोज दैट इस केस में सेम वेरिएबल डिफाइन किए लाइक अ गिवन स्टाइल और गिवन फॉर्मेट कॉन्स्ट इंट ए इक्वल्स टू वन कॉमा बी इक्वल्स टू टू. इस केस में करेंट सेशन में अगर चेक करें नेक्स्ट केस ए और बी का टाइप क्या है वेरिएबल. लेकिन वेरिएबल्स के साथ साथ किस टाइप के वेरिएबल्स हैं ए बी बोथ आर कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स. देन अब चेक करो इस केस में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ क्यों है कंपाइल होने के चांसेस हैं कि नहीं. इन सी कंपाइलर या सी के अकॉर्डिंग बात करें सी के अकॉर्डिंग अगेन ही प्रोग्राम कैसा है इनवैलिड कंपाइल टाइम एरर. बिकॉज ए और बी इस केस में क्या है कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स. कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स के रिगार्डिंग में जनरल प्रॉपर्टीज क्या है कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू चेंज करना पॉसिबल नहीं होता. लेकिन सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर बात करें सी लैंग्वेज के अंदर कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू चेंज करना पॉसिबल है. इसलिए इस केस में क्या आएगा कंपाइल टाइम एरर. कॉन्स्टेंट का वैल्यू किस टाइप से चेक करेंगे चेंज करेंगे नेक्स्ट सेशन में पॉइंटर्स के सेशन में एक्सप्लेन करूंगा. फिर भी अगर आपको इन वेरिएबल्स का वैल्यू चेंज करना है इसके जस्ट बाद आप प्रोवाइड कर सकते हो लाइक इन दैट प्लेस स्कैन ऐप. कॉन्स्टेंट का वैल्यू सिंपली स्कैन ऐप फंक्शंस के थ्रू भी चेंज करना पॉसिबल लाइक दैट एम परसेंट ऑफ ए. देखा जाए तो ए का इनिशियल वैल्यू क्या है वन बट सपोज दैट स्कैन ऐप के अकॉर्डिंग रन टाइम पर मैंने ए का वैल्यू प्रेस किया टेन देन ए का वैल्यू इस केस में चेंज हो जाएगा. अगर स्कैन ऐप के बाद ए का वैल्यू डिस्प्ले कराओ देन डिस्प्ले हुआ वन और टेन टेन. मीन सी लैंग्वेज के अगर इस प्रोग्राम को आप सेव करते हो बाई एक्सटेंशन ए डॉट सी देन इस केस में क्या हो कंपाइल टाइम एरर. जब सेम प्रोग्राम सी प्लस प्लस में एग्जीक्यूट करा हुए सी प्लस प्लस के केस में केस कैसा हुआ वैलिड. बिकॉज सी प्लस प्लस के अंदर किसी भी मैकेनिज्म का यूज करके कभी भी कॉन्स्टेंट का वैल्यू चेंज करना पॉसिबल नहीं. मीन सेम प्रोग्राम अगर सेव करें बाई एक्सटेंशन डॉट सी पी पी नाउ दिस प्रोग्राम बिकम्स लाइक अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम. इस प्रोग्राम को यूज करने से पहले सारे के सारे हेडर फाइल प्रॉपरली इंक्लूड करना चाहिए. इस केस में इन केसेस के रिस्पेक्ट में कंपाइलेशन कैसा है वैलिड कंपाइलेशन. बिकॉज दोनों केस कैसे हैं इस केस में ए और बी ए बी इज अ कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स एंड सी प्लस प्लस में कॉन्स्टेंट का वैल्यू चेंज करना पॉसिबल नहीं. इस ना ही स्कैन ऐप के थ्रू ना ही पॉइंटर्स के थ्रू. इसलिए केस कैसा वैलिड.